कुछ मान्यताएं ही तो हैं जो हमें बड़े समर्थन और बड़े विरोध के लिए विवश करती हैं, लेकिन सही पैमाने में देखा जाए तो अम्बेडकरवादी और संविधानवादी लोग भी मान्यताओं के घेरे से कोई बाहर नहीं जा सके। उन्होंने ठीक किया होता मूर्ति पूजा का विरोध करके यदि उनने मूर्ति पूजा न की होती। आखिरकार मूर्ति तो दोनों एक जैसी हैं, वह भी पत्थर की है तो यह भी तो पत्थर की है। तुम जिस मूर्ति पूजा को करते हो फिर दूसरे की मूर्ति पूजा को आपको क्यों अड़चन? आपको तब तक करना नहीं चाहिए मूर्ति पूजा का विरोध जब तक आप स्वयं मूर्ति पूजा करते हो। मैं मानता हूँ हक और अधिकार के न्याय दिलाने में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा योगदान रहा है। संविधान में हमें ये जानकारी भी होनी चाहिए कई देशों की कानून प्रक्रिया की कॉपी है। अम्बेडकर के साथियों का विचारों की क्रांति भी है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए विरोधाभास कहाँ से प्राप्त हुआ? अगर विरोधाभास है श्री कृष्ण की गीता से, तुलसी की रामायण से, वेद व्यास जी के वेदों से, उपनिषदों से। यदि मुझे नफरत है तो नफरत का मूल्य कारण क्या है? हो सकता है आपकी नज़र से कुछ गलत हो, लेकिन कुछ अटल सत्य तो है, कुछ मानने योग्य तो है। कुछ भी ना हो तो ये सत्य है कि विवाद पैदा करने से मैं कुछ नहीं पा सकता, निर्विवाद होना चाहिए। बौद्ध ने कभी नहीं सिखाया विवाद।